चोरी वाली लाइब्रेरी, नाम सुनना ही बड़ा अजीब लगता है। क्या कोई ऐसी लाइब्रेरी भी देश में हो सकती है जिसका नाम चोरी वाली लाइब्रेरी हो और जिसमें न तो कोई ताला लगा हो, न कोई लाइब्रेरियन हो और न ही चोरी करने पर कोई सजा मिलती हो। ऐसी अनूठी लाइब्रेरी दार्जिलिंग से 36 किलोमीटर दूर नागरी फार्म चाय स्टेट के पास में बनी हुई है। इस लाइब्रेरी को बनाने का श्रेय जाता है सृजना नामक स्कूल टीचर को, जो कविताएं भी लिखती हैं और अखबारों में आर्टिकल्स भी भेजती हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने बचपन में पढ़ने के शौक के कारण किताबें चुराई थी और उस समय उनके पास किताब पढ़ने के लिए या किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वे किताबें चुराती थी। अब जबकि उनके पास पैसे हैं तो उन्होंने तय कर लिया है कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जिसमें 500 से अधिक पुस्तकें रखी जाएं और उस लाइब्रेरी का नाम चोरी वाली लाइब्रेरी रखा जाए, जिसमें न तो कोई लाइब्रेरियन हो, न कोई ताला लगा हो, जिसकी मर्जी हो वो बड़े आराम से यहाँ आए और किताबें चोरी करके ले जाए। उनका यह भी कहना है कि जब किताबें चोरी होती है तो उन्हें बेहद खुशी मिलती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बचपन में जिस अभाव के कारण उन्होंने किताबें चोरी करना शुरू किया था, अब कहीं न कहीं उस अभाव की पूर्ति इस माध्यम से हो रही है। इससे उन्हें आत्मसंतोष भी मिलता है।